आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। भाजपा नेता तंजीदर बग्गा और कवि कुमार विश्वास पर दर्ज FIR रद्द। सीएम योगी ने अपनी काशी यात्रा की सेंचुरी की पूरी 89 बार बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगा चुके हैं हाजिरी। अपने 10 माह के बच्चे को लेकर निकला था युवक मेरठ में, रोटी मांगने पर हुई पिटाई। पुलिस के मुताबिक प्रेम प्रसंग के चलते छात्र ने की सुसाइड, कई दिनों से तनाव में था छात्र। एक टावर के फ्लैट का 80% काम पूरा, दूसरे टावर के लिए अब तक नहीं बना बेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। अलीगढ़ के मुस्लिम विश्वविद्यालय में लगातार राष्ट्र विरोधी और आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, जिसको लेकर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन SEM द्वितीय सुधीर कुमार को सौंपा है, जिसमें उन्होंने छात्र दानिश पर कार्रवाई और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को विशेष दर्जा न देकर पुलिस को कभी भी चेकिंग करने की अनुमति देने की मांग की है। हम आज यहाँ हिंदू जागरण मंच की महानगर और ज़िले की टीम श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हो रही अराजक घटनाएं और आपराधिक घटनाएं और इसके माध्यम से अलीगढ़ शहर में हो रही अराजक और आपराधिक घटनाएं, उन सबको लेकर एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए सौंपने के लिए आए थे। इस ज्ञापन में हमने पूर्व और वर्तमान में किस प्रकार की आपराधिक घटनाएँ और किस प्रकार का जनसंख्यिक बदलाव जो है अलीगढ़ महानगर में आ रहा है इस वजह से, यूनिवर्सिटी की वजह से, ये सारी चीज़ें जानकारी हम जिलाधिकारी महोदय को देने आए थे। ये हिंदू जागरण मंच हरिगढ़ ब्रज प्रांत द्वारा आज ये ज्ञापन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बढ़ती राष्ट्र विरोधी और आपराधिक घटनाओं के विरोध में व कार्रवाई किए जाने हेतु महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित एक ज्ञापन दिया गया है। इसमें कई बिंदु हैं। विगत 4 दशकों में कई बार विश्वविद्यालय जो है अनिश्चितकाल के लिए बंद हुआ है। राष्ट्रव्यापी अवैध गतिविधियों का केंद्र बिंदु रहा है और इसी के साथ साथ 2-4 और बिंदु हैं जिसके संबंध में इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। यह ज्ञापन आवश्यक कार्रवाई के लिए यथाशीघ्र महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भेजा जाएगा। अलीगढ़ में मदरसों को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी जमीर उल्ला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मदरसों की दीवार तोड़ने से इस्लाम को खतरा नहीं, इस्लाम मजबूत हो रहा है। तो चलिए सुनते हैं कि जमीर उल्ला ने क्या और कुछ कहा। देखिए, 100 मदरसे अवैध जो इसमें जरूरत ही नहीं है, मदरसे में कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और मदरसे अगर ये इन्होंने ज्यादा पाबंदी लगाई तो घर घर में मदरसा होगा और पहले घर घर में मदरसा हुआ करता था। पहले हमारे जो बुजुर्ग थे जो पढ़े लिखे हुआ करते थे कुरान शरीफ के, वही पढ़ा दिया करते थे। पहले मुल्लानी हुआ करती थी, बराबर में एक मुल्लानी कुरान शरीफ पढ़ी हुई आ गई तो वहाँ वहाँ पर हमारे बच्चे पढ़ने जाते थे। तो ये इसमें कोई जरूरत नहीं है, कोई हम डिग्री नहीं ले रहे किसी सरकार से कि हमें डिग्री ये चाहिए कि उसके लिए मान्यता प्राप्त हमें डिग्री चाहिए। कुरान शरीफ पढ़ती मदरसा, कुरान शरीफ पढ़ने के लिए खोला जाता है, वहाँ पढ़ती। हरदोई में गवर्नमेंट ITI पिनाही में धन उगाही का खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मामला राजकीय प्रशिक्षण संस्थान पिनाही का है। यहाँ ट्रेनिंग करने वाले बच्चों से कभी OGT के नाम पर तो कभी प्रयोगात्मक परीक्षा के नाम पर पैसों की वसूली होती रही है। बता दें कि ITI पिनाही का प्रतनाज चपरासी गुड्डू एडमिशन के नाम पर 10,000 रुपए लिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब देखना ये होगा इस मामले में प्रशासन कब तक कार्रवाई करता है। अलीगढ़ में रोजगार भारती संस्था की ओर से करवा चौथ मेहंदी कार्यक्रम का आयोजन धूमधाम से किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में कई युवतियों और महिलाओं की ओर से कई तरह की डिजाइन की मेहंदी लगवाई गई और कार्यक्रम की जमकर सराहना की गई। कार्यक्रम की शुरुआत शहर विधायक मुक्ता राजा ने दीप प्रज्वलित करके भारत माँ की तस्वीर पर पुष्प अर्पित की। रोजगार भारती ने ये कार्यक्रम करवा चौथ का रखा,
ये कार्यक्रम 8 जगह शुभारंभ किया गया है उन बहनों के लिए जो कोरोना काल में थोड़ा सा डल हो गई थी और उनको ऊपर उठाने के लिए ये जगह जगह मेहंदी का कार्यक्रम रखा गया है। अलीगढ़ के कोतवाली ग्लास क्षेत्र में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने महिला से लूटपाट की और हथियार के बल पर ज्वेलरी समेत नकदी लूट की घटना को अंजाम दिया। दरअसल महिला अपने बेटे के साथ मणिपुर मायके जा रही थी, वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। ये मामला कोतवाली ग्लास क्षेत्र के फतेहपुर भट्टे का है। फतेहपुर के पास में एक भट्टा है, उसके करीब 100 मीटर अगर हमसे लूट हुई है। 3 अज्ञात बदमाश थे, ब्लैक कलर की स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल थी नई उनकी। उन्होंने तमंचा हमारी माताजी के कनपटी पर रखा था और मैंने एक बदमाश को पकड़ के रखा था, फिर उसने मुझसे ये कहा था या तो इसे छोड़ देंगे तो इसमें तीन माँ में गोली मार देंगे। खबर बदायूं से है जहां के ग्राम शेखुपुरा में घरेलू विवाद के चलते महिला और उसकी बहन पर तेज धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें महिला और उसकी बहन काफी गंभीर रूप से घायल हो गईं। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने महिला और उसकी बहन को जिला अस्पताल भेजा, जहां पर डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, तो वहीं SSP फरार अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की है। बदायूं के थाना जरीफ नगर अंतर्गत शेखुपुरा गांव में आज रात्रि 12 से 1 बजे के बीच में एक घरेलू झगड़े में महिला के 35 वर्षीय महिला के जेठ ने उस पर धारदार हथियार से हमला किया, जिसमें उसको चोट लगी। महिला को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लखीमपुर खीरी के निघासन तहसील क्षेत्र में इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे क्षेत्र के कई गांव जलमग्न हो गए। जसनगर, जनकर, पुरवा जैसे कई गांव में बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है, जिससे ग्रामीण और किसान परेशान हो गए। लगातार हो रही बारिश से किसानों की फसल भी बर्बाद हो रही है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि हर साल इसी तरह से बाढ़ अपना कहर बरसाती है। खबर बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र की बड़ी बाग हनुमान मंदिर में एक चोर को गार्ड ने दानपात से पैसे निकालते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और मंदिर की कमेटी को सौंप दिया। पकड़े गए मुस्लिम युवक को कमेटी ने प्रेमनगर पुलिस को हवाले कर दिया, तो वहीं पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। अपनी सेवा में था, लोगों के फूल माला इत्यादि चढ़ा रहा था, तो अचानक मेरी नजर गई, वो व्यक्ति जो है दान पात्र से सुंदरकांड की किताब से पैसे निकाल रहा था। तो एक दो बार हमने इसको देखा, दोबारा देखा तो फिर उसने पैसे निकाले 2-3 बार मेरे सामने। फिर मैंने अपने गार्ड को बुला के उसे पकड़ने के लिए कहा, तो वो यहाँ से जाने लगा, बहुत तेजी से भागा। आज थाना प्रेमनगर स्थित बड़ा बाग के हनुमान मंदिर में पब्लिक द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जो अपना नाम रोहित बता रहा था। उसने जो भगवान का दान पात्र होता है उसमें से कुछ पैसे चुरा लिए थे। जनता द्वारा पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि उसका असली नाम सुबीर है, जो कि थाना सिरौली का रहने वाला है। इसमें प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसज्जन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें धारा 380, 506, 511 और 295A में मुकदमा पंजीकृत किया गया। हमीरपुर में बेखौफ दबंगों ने घर में घुसकर महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारोपी मौके से फरार हो गए। वहीं इस वारदात की खबर फैलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंचे स्थानीय पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हत्यारोपियों पर मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। क्या घटना हो गई है? मैं कोई जगह हमारी बिटिया थी बहू ऊपर वाले कमरे में थी, नीचे बिटिया बैठी थी, सीधे कोई घर में था नहीं, सब अपनी दुकानों पर थे। आगे घर में घुस के गोली मार दी है। किसने मार दी? रोशन है, तो अजीब है, दो लड़के हो गए, हक्कल दादा कोई विवाद नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला
जिसका नाम हीर उर्फ शाहनाज है, उसको एक व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी है। मौके पर थाना पुलिस ने तत्काल पहुंचकर बॉडी को कब्जे में लिया और साथ ही प्रारंभिक जांच में जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उससे ये पता चला कि उक्त मृतक महिला के चाचा के बेटे जिसका नाम रोशन पठान है, उसने उक्त महिला के अपनी बहन के पति से प्रेम प्रसंग होने के कारण द्वेष भावना से उक्त महिला की गोली मारकर हत्या। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन पर एक गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस गोष्ठी का आयोजन केसी जैन एडवोकेट अध्यक्ष जेपी वाहिनी नेता भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्र धर्म के कार्यकारी निदेशक सर्वेश जी ने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण की सप्त क्रांति एक तरीके से लोकतंत्र को बढ़ावा देने वाली और लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने वाली क्रांति थी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक पांडे जी ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम से युवाओं को प्रेरणा मिलती है। साथ ही कार्यक्रम के आयोजक केसी जैन ने कहा कि नारायण जी कभी भी सत्ता के लोलुप्त नहीं रहे और ना ही वो सरकार की ताकत से डरे। लखनऊ में चारबाग बस स्टेशन पर सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ द्वारा डग्गामार वाहन संचालन के विरोध में एक आंदोलन किया गया। आपको बता दें कि डग्गामार वाहन लखनऊ की सड़कों पर सरपट दौड़ रही है, जिससे परिवहन निगम को करोड़ों रुपए के राजस्व को हानि होती है। तो वहीं कुछ दिनों पहले डग्गामार वाहन संचालकों ने परिवहन निगम के एक परिचालक के साथ मारपीट की थी, जिसके चलते ये आंदोलन किया गया। अलीगढ़ में एक परिवार भारी बारिश के कारण सड़क पर आ गया और परिवार की देखभाल करने वाली महिला को भीख मांगकर अपने परिवार को चलाना पड़ रहा है। दरअसल पिछले दिनों जिलों में भारी बारिश हुई थी, जिसके कारण एक गरीब परिवार का घर भारी बारिश के कारण गिर गया, जिसके बाद परिवार के सदस्य घर में तिरपाल डालकर अपना गुजारा करने को मजबूर है। अपना और अपने परिवार के पेट भरने के लिए उसको भीख मांगनी पड़ रही है, तभी उसके परिवार को खाना मिल पाता है। उसके द्वारा सरकार मदद मांगी गई, लेकिन अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वो आस लगाए बैठी है कि उसको कब मदद मिल सकेगी। क्या मामला हुआ है आपके यहाँ पर जो मकान गिरा हुआ है? ऐसा था, बारिश वारिश आई थी, सब गिर गया था मकान, हम ऐसे में दब के रह गए थे, तो गाँव के ने आके ने हमको बचाया था। और हमारे पास कुछ भी नहीं, खेती बाड़ी न कुछ नहीं है, खाने को भी नहीं है। आपकी भोजनों की व्यवस्था कहाँ से होती है? नहीं, ऐसी है बस, माँ मांग के से ऐसी करते हैं, घर घर से लेके आते हैं, कोई सहायता नहीं करता है। केंद्र जाए खूब सूचना करी थी, किसी ने कोई सहायता नहीं करी थी। क्या आप गांव वालों से भीख मांगती हो? हाँ। क्या बच्चे हैं आपके? दो बच्चे हैं, एक रोकई है। ये क्या मामला है कि ये लोग तिरपाल में सो रहे हैं, बैठ रहे हैं? मैं इस गांव की आंगनबाड़ी हूँ, और ऐसा हुआ था, बारिश वगैरह हुई थी, मौसम खराब था, और मैं अपने घर पर सो रही थी, तो मकान गिरने की आवाज़ आई और हम उधर से भाग के आए, तो उधर आके देखा कि इनका मकान गिरा हुआ पड़ा था और ये उसी में दबे हुए थे। खबर कानपुर से है, जहां कुछ दिन पहले मेडिकल कॉलेज में फैले डेंगू की चपेट में आने से कानपुर के लाला लाजपत राय चिकित्सालय में भर्ती एमबीबीएस की छात्रा आखिरकार जिंदगी से जंग हार गई, जिसके बाद परिजन बॉडी को बाराबंकी अपने पैतृक आवास लेकर चले गए। तो वहीं छात्रा की मौत से मेडिकल कॉलेज में मातम छा गया। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।